तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास टेंथ और क्लास ट्वेल्थ के लिए कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी को कैसे लिखें। जी हाँ, ऐसा तरीका आपको बताऊंगा कि आपका जो टीचर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएगा और काफ़ी ज़्यादा आपसे इम्प्रेस होगा। और अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो तो आपकी बोर्ड परीक्षा में 20 से 30 नंबर आपको ज़्यादा मिलने वाला है। बिल्कुल इस तरह से डिटेल्स इसमें, किस तरह से बहुविकल्पी प्रश्न को करते हैं, किस तरह से लघु उत्तरीय प्रश्न को करते हैं, किस तरह से जो प्रश्नों को विभाजित किया गया उसको कैसे, साथ ही साथ जीवन परिचय और रस को किस तरह से लिखा जाता है, बिल्कुल डिटेल्स में बात करने वाले हैं। और आपका 20 से 30 नंबर बढ़ेगा भी और आपसे टीचर काफी ज्यादा प्रभावित होने वाला। जी हाँ, इस वीडियो को आइए शुरू करते और वीडियो को लास्ट तक देख लेना है आपको। देखो, जो सबसे पहला काम करते हैं ये प्रश्न पत्र, ठीक है। तो आपको बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पत्र मिलते हैं तो उस प्रश्न पत्र को आपको सबसे पहले बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेना चाहिए। करते देखो, इसमें आप करते क्या हो कि कभी कभी आप बिना पढ़े इसको स्टार्ट कर देते हो, और अथवा में कभी कभी प्रश्न जो होते हैं कि एक पहला प्रश्न होता है, उसके बाद जो अथवा वाला प्रश्न होता है वो आपका लोकप्रिय प्रश्न होता है, लेकिन आप उससे पहले पहले वाले प्रश्न को कर लिए होते तो बाद में आप पछताने लगते हो। और साथ ही साथ आपको देख लेना कि कौन कितने मार्क्स का, तभी आपको उसको स्टार्ट करना है, ठीक है। कभी कभी 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं तो आप क्या करते हो, आपके लोकप्रिय, आपको उसके बारे में ज़्यादा जानकारी तो आप ज़्यादा लिखते थे, इससे आपका जो होता है समय वेस्ट हो जाता है और कुछ प्रश्न छूटने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक। बोर्ड एग्जाम में आपको ब्लैक और ब्लू पेन का ही प्रयोग करना है। इसके साथ ही साथ आपको फास्ट एंड सुंदर राइटिंग की ज़रूरत है, ठीक है। आपको ये न रहे कि कितने प्रश्न पर कितना समय देना, इस तरह से आप मैनेजिंग करना है आपको। और जैसे ये क्वेश्चन पेपर आपको मिल गया, ठीक है, इस क्वेश्चन पेपर को मिलने के बाद इसके जो कोड वोड होते हैं ये कॉपी में आपको फिलअप करना होता है। इसके बाद 15 मिनट देखिए सभी क्वेश्चन प्रश्न पत्र को आपको पढ़ने के लिए है, ठीक है, इसको आपको पढ़ लेना ही है। इसके बाद यहाँ पे देखो दे दिया कि ये 2 खंडों में विभाजित किया गया, इसे खंड क और खंड क, इसको मैं बताऊंगा कि किस तरह से कॉपी में लिखना है। इसके बाद यहाँ पे पहला आ गया, ठीक है। अब पहले का आंसर आपको किस तरह से लिखना है ये मैं कॉपी में लिखकर आपको विधिवत बताऊंगा। यहाँ पे देखो, सबसे पहले खंड ख और खंड खंड क और खंड ख में ये विभाजित है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या सॉल्व करना है, खंड क को। तो यहाँ पे हमने ऊपर सबसे पहले खंड क ऊपर डालना है, डालने के बाद इसे नीचे लाइन कर देना है, ठीक है। और आपको अगर स्केच का उपयोग करना चाहते हो तो आपको बोर्ड एग्जाम में ब्लैक स्केच का ही उपयोग करना है। इसके बाद आपको एक लाइन यहाँ पे छोड़नी है, यहाँ पे आपको एक लाइन, ये नहीं कि आप यही से लिख दे प्रश्नोत्तर संख्या 1 का उत्तर, नहीं, आपको प्रश्नोत्तर संख्या 1 इस तरह से लिखना है। अब इसके बाद इसको देखो, एक हमने लिख दिया, ठीक है, यहाँ तक ये चीज़ें को हमने लिख लिया। इसके बाद ये क है, ठीक है, कला और संस्कृति के लेखक हैं। अब क का कौन सा उत्तर सही है, तो इसमें आप देख सकते हो कि वासुदेव सरल अग्रवाल, ठीक है, तो ये वासुदेव सरल अग्रवाल जो है ये करेक्ट है। तो यहाँ पे क के आगे आपको लिख देना वासुदेव सरल अग्रवाल, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को और भी आंसर है, इसको आप जैसे निम्नलिखित में कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है तो महके आंगन चहके द्वार, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसको लिखा गया कि महके आंगन चहके द्वार, इस तरह से क ख ग घ अंग, ठीक है, जितने भी इसमें क्वेश्चन है उनके आंसर यहाँ पे इस तरह से आपको लिख देना है। तो आप ये देख सकते हो कि इसमें ख है, ग है, ठीक है, घ है, अंग तक दिया गया है पांचों को। पांचों को लिखने के बाद देखो दूसरा भी बहुविकल्पी है। देखो अब लिखने के बाद आपको क्या करना है कि इस पेज को छोड़ देना है, ठीक है। अगर आप दूसरा लिखना चाहते हो, जैसे कि ये दूसरा है, ये दूसरा, ठीक है, दूसरा को आपको लिखना है, तो इसके बाद जैसे देखो हमने प्रश्नोत्तर संख्या 1 डाला तो हमने 2 लाइन छोड़ा, ठीक है, पहले खंड कर डाला तो 1 लाइन छोड़ा, प्रश्नोत्तर संख्या 1 डाला तो 2 लाइन छोड़ देना है आपको, और तीसरी लाइन से आपको आंसर लिखना है। इसके बाद अगर यहाँ से आप दूसरा क्वेश्चन का आंसर डालना चाहते, ठीक है, प्रश्न संख्या 2, तो आपको देखो 1-2 लाइन छोड़कर, यहाँ से 1-2 लाइन छोड़कर यहाँ पर डालना है कि प्रश्नोत्तर संख्या 2 का उत्तर, ठीक है। तो देखो इससे क्या होगा कि एग्जामिनर को कॉपी आपकी काफ़ी सुंदर लगेगी देखने में। इसके साथ ही साथ एग्जामिनर को ये पता चल जाएगा कि इसके बाद जो किया गया है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। और आप कॉपी भी लिखिए तो काफ़ी साफ सुथरे से लिखिए। और हाँ, साथ ही साथ आपको देखो ये आपको प्रश्न पत्र मिलते हैं, ठीक है, आपको प्रश्न पत्र में जिस भी क्वेश्चन पे काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो, जो अच्छे तरीके से याद है, शुरुआती आप उसी से करिए। शुरुआती ऐसे करेंगे तो ये जो एग्जामिनर होगा वो आपका जो पहला पेज देखता है ना तो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होगा, और उसी के हिसाब से, क्योंकि फास्ट कॉपी चेक होती है, उसी के हिसाब से आपको नंबर सभी क्वेश्चन पर देते चला जाएगा, क्योंकि वो जान जाएगा कि ये जो क्वेश्चन लड़का किया वो करेक्ट किया है और ये काफ़ी इसकी स्टाइल अच्छी है। तो आपको शुरुआती के 2 से 3 पेज पर कहीं भी कटपिट नहीं करना है, और कॉपी आपको मिलते ही, ठीक है, कॉपी मिलते ही ये स्केल से, अपने स्केल जो इंची होती है उसी से 1 इंची नाप कर यहाँ पर सबसे पहले आपको ये
ये लाइन खींच लेना, ठीक है। ये लाइन जरूरी ही खींचना है और काफ़ी अच्छा लगता है इससे आपकी कॉपी देखने में। तो यहाँ पे इस तरह से करने के बाद आपको दो लाइन छोड़ने के बाद दूसरा क्वेश्चन का आंसर लिखना है, ठीक है। और हमने बताया कि शुरुआती पेज आपके काफ़ी ज़्यादा अच्छे होने चाहिए जिससे कि टीचर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो सके और आपको प्लस मार्किंग कर सके, ठीक। और ओवर राइटिंग नहीं करना, ये कि अगर ये क्वेश्चन हम मैंने सुंदर लिखा, सुंदर की जगह पर गलत लिखा गया, तो इस पर 10 से 15 बार पेन नहीं चलानी आपको, क्यों एक बार इस तरह से पेन चलानी है, ठीक है। तो ये शुरुआती पेज में आपको इस तरह का ध्यान देना है। इसके बाद इसमें देख सकते हो कि जो दूसरा है वो भी बहुविकल्पी टाइप का क्वेश्चन है यहाँ पे, तो इसको इसी तरह से लिख देना। इसके बाद देखो ये तीसरा क्वेश्चन आ जाता है कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। तो अब देखो तीसरा क्वेश्चन का यहाँ पे हम उत्तर आपको दिखा देते हैं, ये तो आपको इसी तरह से नेक्स्ट पेज से करना है। तो प्रश्नोत्तर संख्या 3 डालने के बाद एक दो लाइन छोड़कर प्रश्नोत्तर संख्या 3, इसके बाद देखो इसमें दे रखा है जो देखो मेन है उसको मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये पांचवा बहुत ज़्यादा मेन है, इसमें दे रखा है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए, इसकी तो आपको उत्तर लिखना है। अब देखो इसका किस तरह से लिखना है, ठीक है। ये उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक और लेखक का नाम, तो यहाँ पे आपको प्रश्नोत्तर संख्या 3 डालने के बाद शीर्षक का नाम पूछा है। शीर्षक का नाम आपको ब्लैक पेन से ही लिखना है और इसके बाद इस तरह से डैश देने के बाद भाषा और आधुनिकता, इस जो ये दिया है गद्यांश इसके शीर्षक का नाम और इस गद्यांश के लेखक का नाम इस तरह से डालने के बाद डैश लगा देना है और यहाँ पे लिख देना प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, ठीक है। अब देखो ये चीज़ें आपने कर लिया, इसके बाद इसमें और सारे क्वेश्चन दिए गए, इन सब क्वेश्चनों के किस तरह से आंसर लिखना है। तो आपको देखो जब आप दो तरीके से यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। ये प्रश्नोत्तर संख्या 3 डाल दिया हमने, डालने के बाद यहाँ पे देखो जैसे कि ये जो क्वेश्चन है ये पाँचवा है, ठीक है। ये क्वेश्चन कौन सा है, पाँचवा है, तो आपको यहाँ पे इस तरह से पाँचवा डाल दिया। इसके बाद जो और भी क्वेश्चन है ना, आप इस प्रश्नोत्तर संख्या 3 का चौथा या पांचवा इस तरह से नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 3 का यहाँ पे चौथा का किया गया। अगर आप चाहो तो इस तरह से भी कर सकते हो, आप चाहो तो, ठीक है, आपका समय बचेगा जिससे कि आप यहाँ पे पहला चौथा डाल दिए, इसके बाद तीसरा करो तो तीसरा डाल दिए, दूसरा करो तो दूसरा, तीसरा करो तो तीसरा, चौथा, इस तरह से आपको फिर बार बार प्रश्नोत्तर संख्या 3 का चौथा पांचवा डालने की जरूरत नहीं। इससे आपका क्या होगा, आपकी टाइम भी सेव होगी, टाइम भी बचेगी और साथ ही साथ आप सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे यार देखो अब ये क्वेश्चन एक आ जाता है, इसमें से चौथा, तीसरा का चौथा, यहाँ पे रेखा के अंश की व्याख्या कीजिए। और आपको देखो व्याख्या किसकी करनी, यहाँ पे जिसके नीचे रेखा खींची गई है ना, ये रेखा खींची गई इसी की केवल व्याख्या, आप सभी की व्याख्या नहीं कर सकते हो कि रेखा, तो रेखा के अंश की व्याख्या के लिए आपको क्या डालना है। तो देखो ये पाँच, ये चौथा था, ठीक है। तो आप यहाँ पे इस तरह से चौथा लिखकर रेखा के अंश की व्याख्या लिख सकते हो, इसकी लिखने की जरूरत नहीं है, ये ज़्यादा लिखोगे तो आपकी टाइम की वेस्टिंग होती है। तो यहाँ पे ये डालने के बाद रेखा के अंश की व्याख्या चौथा रेखा के इस तरह से आपको डाल देना है और यह रेखा के तर्ज की व्याख्या। अब इसके बाद इसका व्याख्या कर देना कि लेखक का कहना है कि भाषा और संपूर्ण संसार के मन के विचारों को व्यक्त करने का एक सशक्त और माध्यम है और ऐसी सशक्तता मनुष्य तभी अर्जित कर सकते हैं जब वो अपने संसार के अनुकूल सही हो, ठीक है। यहाँ पे देखो जिस तरह से है, यहाँ से भाषा वाला उठाया यहाँ पे। अब इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान देना जो सबसे ज़्यादा जरूरी है कि देखो इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं ना जिसमें आपको लगे कि नहीं यहाँ पे नहीं हो पाएगा, आपको नीचे की भी एक दो लाइन छोड़ देने हैं, ठीक है, क्योंकि वो आकर्षित होगी, क्योंकि नीचे जो लिखना होता है वो काफ़ी ज़्यादा कठिन होता है और जो नीचे लिखा जाता है ना वो अच्छा नहीं लिखा जाता है, तो आपको एक दो लाइन नीचे भी छोड़ देना है, ठीक है। और इन सब चीज़ों को जैसे रेखा के तत्वों की व्याख्या इसके लिए आपको नए पेज की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, आप इसको लिए एक नया पेज ले लीजिए। तो यहाँ पर देखो और इन सब का जो क्वेश्चन इनको नीचे लिख सकते हो, ठीक है, इनका एक दो लाइन का आंसर है तो इसको नीचे लिख सकते हो और ये सब जो शीर्ष रेखा के दर्श की व्याख्या इसके लिए आप एक नए पेज की का उपयोग करेंगे, ठीक है। बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो देखो ये चौथा क्वेश्चन है, इस तरह से पांचवा में से आ जाता है किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अब देखो आपको जीवन परिचय किस तरह से लिखना है, ठीक है, यहाँ पे देखो जीवन परिचय मैंने इस तरह से लिखना आपको बताया या कि अगर आप इस तरह से लिख रहे हैं, ठीक है, एक सबसे पहले आपको एक बॉक्स की जरूरत पड़ती है। बॉक्स बनाने के बाद इसमें इनका नाम, जन्मस्थान, पिता का नाम, माता का नाम, कृत्या और मृत्यु इस तरह से लिख देना है
और यहाँ पे जीवन पर्चे डाल देना, सबसे पहले जिनका लिख रहे ऊपर उनका ये ब्लैक स्केच रहेगा, ठीक है, आपको ब्लैक स्केच का यूज करना है। मैथिली शरण गुप्त इस तरह से पाई खींचने के बाद, और ये देखो किस आकर्षक कैसे बनाएगी, ये राष्ट्रकवि थे, तो राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म 1886 ईस्वी में चिरागांव जिला ललितपुर में हुआ था। यानी कि ये सब देखो उनके जन्म और इनकी जो मृत्यु हो ब्लैक पेन से, इससे हाईलाइटेड होता है क्योंकि टीचर इसी को देते हैं। इसके बाद साहित्यिक पर्चा आप इस तरह से लिख सकते हो और इनकी कृतियाँ लास्ट में इस तरह से आप लिख देना है, ठीक है। तो ये हो गया, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हमें कुछ और मिलते हैं, जैसे स्वपठित खंड काव्य के आधार पर इनके भी उत्तर आपको जितना पूछे जाए, देखो 80 मैक्सिमम 80 है तो आपको 80 ही लिखना है, ठीक है। गाइस देखो हम आगे बढ़ते तो यहाँ पे 13 का क्वेश्चन क आ जाता है, ठीक है। करुण अथवा वीर रस का लक्षण उदाहरण लिखिए, ठीक है। यहाँ पे करुण हास से कोई भी रस आए तो उसको किस तरह से लिखना है, जैसे मान लो यहाँ पे हम एक रस का उदाहरण रखते हैं। देखो यहाँ पे प्रश्नोत्तर ये 13 का क है, 12 का क है, जो आपको यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको उत्तर लिखना है, हास्य रस ब्लैक पेन से ब्लैक स्केच से इस तरह से लिखने के बाद दो लाइन आपको कर देना है। इसके बाद देखो जो इसकी मेन चीज़ है ना उसको, जैसे विभाव इसमें है मेन, अनुभाव है और संचारी भाव से, ठीक है, विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव से पुष्ट होकर हमारे हृदय में हास नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है तो उसे हास्य रस कहते हैं। अब देखो इसका उदाहरण ब्लैक पेन से लिखने के बाद, यस स्केच से लिखने के बाद इसका एग्जांपल जब भी आप लिखो ना ब्लैक पेन से लिखो, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा आकर्षक लगता है, यही इसका रूल होता है कि जो आप एग्जाम्पल लिखते हो उसको ब्लैक पेन से लिखिए। इसका एग्जाम्पल इस तरह से हमने ब्लैक पेन से लिख दिया। अब इसके बाद देख सकते हो यहाँ पे 14वां इस तरह से आता है कि किसी इंटरमीडिएट कॉलेज में लिपिक से रिक्त पद पर अपनी नियुक्ति हेतु उस कॉलेज के प्रबंधक को एक आवेदन पत्र लिखे या अपने गांव में स्वच्छता एवं सफाई तो अपने क्षेत्र के उप जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र लिखे। अब देखो आप जब भी प्रार्थना पत्र लिखने जाते हो, ठीक है, तो आपको लिखना है कि प्रार्थना पत्र ये स्वच्छता या सफाई हेतु। लिखने के बाद आपको एक पेज लेना है, एक पेज बिल्कुल एकदम नए पेज से शुरू करना है और उसी पेज में इसको एंड भी कर देना, क्योंकि एप्लीकेशन जो प्रार्थना पत्र वो काफ़ी लंबे चौड़े ना हो, ये सरल शब्दों में होना चाहिए। और एक जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है वो है, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने दो कॉपी लिया, ठीक है, ये कॉपी ये है एक कॉपी ये है, तो जो अतिरिक्त कॉपी आप लेते हो उस पर आप अपना रोल नंबर लिख देना है, ठीक है। कभी कभी क्या होती है कि आपकी कॉपी की नत्थी खुल जाती है, इधर उधर हो जाती है, जिसको यार समझ में नहीं आता कि ये किसकी कॉपी छूटी है, तो आप अगर रोल नंबर लिखे होते तो वो जो रहते हैं उसके इसके देखभाल करने वाले वो जान जाते कि नहीं ये इस बच्चे का है, जो एग्जामिनर है वो जान जाता कि ये इसी बच्चे का कॉपी है। तो आपको इस तरह से कॉपी में हर एक कॉपी पर रोल नंबर जरूर, साथ ही साथ आपको कॉपी में काफ़ी ज़्यादा व्याकरण की ज़रूरत होती है, ठीक है, जैसे कि कहाँ पे पाई देना है, कहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ पे कामा लगाना है, इस सब चीज़ों का आपको ध्यान देना है, अदरवाइज आपको एक से आधा नंबर इसमें गायब हो जाते हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों का भी आपको काफ़ी अच्छे से ध्यान रखना है, तो अगर इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखते हो तो आपके बोर्ड एग्जाम में जो कॉपी होता है आपको काफ़ी अच्छे नंबर दिला देगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।